गुरुवार को घुघुस महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्त्री शक्ति जागृति महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्त्री शक्ति जागृति महिला सम्मेलन के तहत महिला कांग्रेस कमेटी ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित कर महाराष्ट्र सांस्कृतिक परंपरा का संदेश दिया। हल्दी कुमकुम के साथ महिलाओं का उत्साह बढ़ाने हेतु विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। घुघुस बालाजी लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद बायो धनोरकर ने किया। कार्यक्रम अध्यक्षता शिवानी वडेट्टीवार ने की। प्रमुख अतिथि रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुनीता लोढ़िया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष चित्रा डांगे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही बारिश व बिजली के आने जाने की समस्या हुई, लेकिन प्रतियोगिता में शामिल महिलाओं को उत्साह कम नहीं हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सांसद धानोरकर ने कहा कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और यह घुघुस होने वाले नगर परिषद में भी महिलाओं की चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पंचायत राज समिति में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए आरक्षण का पूरा लाभ उठाना चाहिए, जिसने कांग्रेस सरकार के दौरान महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था। कार्यक्रम मार्गदर्शन घुघुस कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी, किसान सेल जिलाध्यक्ष रोशन पचारे, अनुसूचित जाति विभाग जिलाध्यक्ष पवन आगदारी, कामगार नेते सैयद अनवर ने किया। महिलांची प्रगती व्हायला पाहिजे हे सगळ्यांची इच्छा आहे आणि जर इच्छा असेल तर सगळ्या महिलांनी पुढे यावी लागेल। मी तो विनंती करते माझ्या सगळ्या बहिणी आहेत, मी खूप युवा। BCN न्यूज के लिए घुघुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।